हेलो। हेलो और बताओ, मेरी मामा जान, बाबा जान, मामा पापा जान मामा पापा जान, ऊंची आवाज से बोलो। उन्हें पापा मामा जान पापा ऊंची बोलो, पापा जान, जान मामा मामा जान। कैसे जान बोलता है हम? मामा पापा जान, मामा पापा पापा नहीं आ मामा पापा नहीं है। नहीं है पापा कहाँ है? कोची पापा वेयर? बाबा कोची मामा पापा को पूछो, पापा वेयर आर यू? बागोटी अच्छा, सबसे सबसे पूछो, हाउ आर यू, हाउ आर यू हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से सबको बोल दो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, बोलो ना, सब वेट कर रहे हैं आपका। अरहम का दिन हेलो स्टार्ट हो चुका है और अरहम ने अपने आप को देख लिया, साफ सुथरा भी करवा लिया, फ्रेश हो गया अरहम, और न्यू कपड़े भी मेरे बेटे ने पहन लिए। ये जब भी प्रेस कपड़े पहनता ना, तो हमेशा बस यही कहता है कि मामा वाओ न्यू। तो ये हेलो अभी न्यू कपड़े पहन के रेडी शेडी हो गया, ये इंतज़ार में है कि कब डोर खुले और मैं कब बाहर जाऊँ। ये आजकल पता क्या करता है, आजकल ये अंदर से लॉक लगा देता है, और शुक्र है कि इस डोर की जो ना कीज़ वो मैंने बाहर रखी हुई है, ताकि अंदर अगर रख देंगे ना, तो ये तो मामा अंदर से लॉक लगा देगा, तो फिर हम सारे जी परेशान होते रहेंगे। तो इसलिए मैंने डोर की ना की बाहर ही रख दी हुई है। और ये देखिए, अब पंगे इसके देने स्टार्ट हो गए हैं। बस अब ये सारा दिन इसने यही कामों में लगे रहना, और इसने कुछ भी नहीं करना। तो बस मेरा भी दिन स्टार्ट हो गया इसके साथ ही, और बस इसके साथ ही आज सारा दिन गुजर जाना है ऐसे ही। मैंने कल भी आपको ब्लॉग में बताया था कि मेरी टांग में ना बल पड़ गया, वो इतना बुरा, और वो अब मेरे पाँव में इतना खिंचाव आया हुआ ना, तो वो उसे चला भी नहीं जा रहा सही तरीके से, वज़न नहीं पड़ रहा पाँव पे ना। तो अभी खैर उठती हूँ, जो काम करने हैं वो तो करने वाले ही हैं, वो तो करने ही हैं, और साथ साथ फिर जो भी रूटीन होगी आज की आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये बिल्डिंग मैंने तैयार की है, और ये फटाफट मुझे कहता है मामा मोबाइल कहाँ है, मोबाइल लाओ और वीडियो बनाओ। ये देख लें आजकल के बच्चों का हाल। और ये जनाब साहब जो है ना, आप चला रहे हैं और मुझे साथ साथ कहते हैं मामा मेरी वीडियो तो बनाओ। इसको इतना पता है कि अब मेरी मामा वीडियो बनाती है, तो मैंने अपनी वीडियो बनानी, वो देखो साइड से तोड़ दिया। चलो चलाओ अब। ये किसने बना के दिया आपको? किसने बनाया ये गाड़ी? किसने बना के दिया? मामा ने बना के दिया ना? किसने बना के दिया बताओ तो सही। बताता नहीं है। अच्छा मैं कौन हूँ आपकी? इधर देखो। अच्छा बोलो मामा जान, पहले बोलो मामा जान। अब अपनी मस्तियों में ना अब तो नहीं कभी भी बोलेगा, बोलो तो सही। अरहम बोलो मामा जान। ये देखो टूटू कर दिया। अब तो नहीं मैंने जोड़ के देनी, अब मैंने बना के भी नहीं देनी। चलो जाओ, अब आप खुद बनाओगे, मैंने नहीं बनानी आपकी गाड़ी। ये देखो, वो जब तक, वो कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक चलेगी, वो जितनी चल सकती है उतनी तो वो चलाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज भी मैंने बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने आपको कल का बताया ही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मेरी ना टांग में बल कैसे पड़ गया, और बहुत ज़्यादा मैं उसकी वजह से परेशान हूँ। इतनी तकलीफ में गुजरा मेरा टाइम, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर कीमा। आज हस्बैंड मेरे घर पे हैं, जिस दिन वो घर पर होते हैं ना उस दिन बस कीमा बनता है, और चिकन को बस अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा अवॉइड ही करें। और यहाँ पे मैंने मटर डाले हुए थे, मैंने सोचा ये गल जाए, फिर उसके बाद इसको एक दफ़ा अच्छे से भूनूंगी, और भूनने के बाद फिर जो मसाला वगैरह इसके ऊपर डालूंगी, और फिर इसको बंद कर दूंगी फ्लेम को। और अभी तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया, तो मगरिब के टाइम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। छोटे मोटे क्लिप मैंने बनाए थे सुबह अरहम के, तो उसके अलावा मैंने कोई क्लिप नहीं बनाए। और देखें शाम हो चुकी है बाहर, काफ़ी पहले थोड़ी देर पहले काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, अब बिल्कुल ही बंद हो चुकी है, अब बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही। और बस यहाँ पर यही रूटीन चल रही है आजकल, और कुछ भी नहीं हो रहा, काम काज और तकलीफ़ें, बस इन चीज़ों से ही बस वक्त और टाइम गुजर, और कुछ भी नहीं हो रहा। और दूसरी बात, आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का मिल गया होगा जो मैंने अपलोड किया था, और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद भी आया होगा, मेरे ड्रेसेस की कलेक्शन भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ड्रेसेस की कलेक्शन पसंद आई है कि नहीं। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों के साथ अपनी वेडिंग पिक्चर्स और वेडिंग वीडियो शेयर करूँ कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और
मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहाँ पर जाके मेरे इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो करें, और बाकी आप लोग मुझे इसी तरह से प्यार देते रहें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करते रहें। और अब अजान का टाइम हो गया मगरिब का, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और फिर इसके बाद बात करते हैं। और ये देखें आवाज़ें आपको आ रही होंगी अजान की, और ये देखें फ्रेंड्स मैंने सोचा कि मैं काम कर रही हूँ और साथ साथ मैं आपको दिखाऊं। ये है मेरी जो जितनी भी क्रॉकरी लगी हुई है मेरी यहाँ पर, ये मेरे सारे शादी के बर्तन हैं, और ये देखें कितने अच्छे अच्छे बर्तन हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये सारा वाटर सेट है, अभी मैं खोल के इसलिए नहीं दिखा रही, और हम का कोई भरोसा नहीं वो आ भी जाए बाहर और फिर उसने जनाब साहब ने आते ही हमला कर देना। वैसे मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ। ये देखें ये क्रिस्टल का है, बहुत मजबूत और बहुत ही हैवी ग्लास सेट है ये वाटर सेट। और ये पीछे जो ट्रे है ये भी पूरा एक सेट है, इसके साथ बाउल है और इसके साथ जो है ना उसकी स्वीडिश का मतलब कि ये पूरा सेट बनाया हुआ है। और ये ग्लासेस है, ये 18 पीस ग्लास थे, ये पूरा सेट उसका। और ये देखें ये मेरे हस्बैंड बाहर दुबई से लेकर आए थे, ये उनको बहुत शौक है ऐसी चीज़ें रखने का तो वो लेकर आए थे। और ये देखें ये भी एक आइसक्रीम सेट है, और ये भी क्रिस्टल का, ये बहुत अच्छा, वो जो मैंने आपको ट्रे दिखाई थी ना ऊपर वो, और ये दोनों मैंने इकट्ठे लिए थे। और बाकी ये देखिए ये जो है कप है, ठीक है, और ये भी एक सेट है पूरा। ये मैंने भी प्लेट्स इसलिए यहाँ पर रख दी थी क्योंकि स्पेस ज़रा कम थी। ये देखें काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स हैं और काफ़ी शीशे के जो बर्तन हैं ना बाउल, और उनके साथ में कटोरियाँ, और वो इनके साथ के सेट हैं ये, उनकी प्लेटें हैं ये सारी। और ये नीचे मेरा पूरा सेट है, ये आई थिंक चीनी का सेट है मेरा पूरा। ये देखें ये कप्स इसके साथ, ये ना 8 पीस का है, 8 पर्सन का, मतलब कि 8 लोग आराम से इजीली बर्तन यूज़ कर सकते हैं। ये टी सेट था सारा, साथ में ये बड़ी प्लेटें, छोटी प्लेटें, फिर उससे छोटी प्लेटें, फिर ये 2 सूप के बाउल थे, और साथ में इसकी 8 कटोरियां, पीछे ये 2 ट्रे, और ये जितना भी है चाय का सारा सामान। और ये देखें ये भी सारे छोटे छोटे से जितने भी है ना, ये सारे मेरे हस्बैंड जो है ना लेकर आए थे दुबई से, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। ये बना हुआ है आई थिंक ये बना हुआ है गोट, और ये एलिफेंट बना हुआ है, वो पीछे कैमल है, ये सुराखियाँ जिनसे वो पहले ज़माने में लोग पानी वगैरह या कुछ इस तरह से भरते थे या कुछ भी है। और ये साथ यहाँ पर मुर्गा बना हुआ है, और इस साइड पे आ जाइए देखें ये भी हॉर्स कैमल, और यहाँ पर जराफ़ा, और ये एक जैसे ये बड़ा ये छोटा, ये साथ में 2 एक जैसे हॉर्स थे। और ये वो जो मैंने ऊपर ट्रे दिखाई थी आपको, ये उसके बाउल और कटोरियाँ, और इसके अंदर ये भी बाहर से देखे थे, इसके अंदर ना इत्र वगैरह डाल सकते हैं, ये इत्र डालने के लिए, ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये देखें ये पीछे जो ट्रेज लगी हुई ना, वो मुझे आपको प्लेट्स दिखाई थी, ये उनके साथ हैं, ये सेट है, ये भी एक पूरा सेट है पीछे वाला ट्रे के साथ, और ये भी सेट है। और ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप डाल सकते हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें मतलब कि काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें ये भी पीछे एक चीनी का सेट है, ये मेरी सास का सेट है, और ये यहाँ पे थोड़ी तब स्पेस थी तो मैंने ये यहाँ पे लगा दी, ये भी काफ़ी बड़ा सेट है। और ये उनके साथ में चाय पीने, उस वक्त चाय पीते थे लोग तो ये इस तरह की प्यालियों में पीते थे, ये अम्मी के दौर की हैं। और ये देखें ये मुझे गिफ्ट मिला था बर्थडे पर, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, इसके ऊपर मेरी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं। और इसके अलावा ये सारा मेरा बेकिंग का, और उसके अलावा स्पून, एक्स्ट्रा स्पून वगैरह चीज़ें जो है ना वो मैंने सारी यहाँ पर रख दी थी। ये शीशे के जार भी हैं, ये 3 हैं आई थिंक 4 हैं, ये 4 जार हैं, इसके मैंने स्पेशली लिए थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लिए। और वो पीछे भी 2 जार पड़े हुए हैं, इनके अंदर भी आप ड्राई फ्रूट्स और कैंडीज़ वगैरह काफ़ी चीज़ें स्वीट्स वगैरह रख सकते हैं। ये और मसाले के लिए लिया था, ये आते आते टूट गया मेरा। और ये आप लोगों ने सियाम के बर्तन सुने ही होंगे, ये बहुत ही अच्छे, इसके साथ मेरे 2 बाउल और भी हैं, वो मैंने रखे हुए हैं, वो अभी निकाले नहीं क्योंकि इसमें स्पेस नहीं थी, इस वजह से मैंने निकाले नहीं है। और ये बहुत ही अच्छे बर्तन हैं, बहुत लाइट वेट हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। ये जो ऊपर ट्रे पड़ी हुई है ना, ये डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने वाली है, ये और हम हमारा छोड़ता नहीं, इसलिए मैंने इसको उतार के और साफ़ करके यहाँ पर रख दिया। और ये देखें ये मुझे बहुत पसंद है, ये भी पत्थर के हैं और बहुत हैवी वेट के हैं, ये 3 पीस सेट है। और इसके अंदर आप नीचे आप लोग यहाँ पे फायर लगा के आराम से उनसे खाना वगैरह डाल सकते हैं, और खाना आपका ठंडा भी नहीं होगा और साथ, और ये जलेगा भी नहीं है, ये फायर प्रूफ है और ये जलेगा भी नहीं, और ये इसके अंदर आप जैसे मर्ज़ी खाना सर्व कर सकते हैं और गर्म भी रहेगा। और ये देखें ये भी, ये मैं लेकर आई थी जब मेरी अभी शादी होने वाली थी ना, तो तब मैं वहाँ से डेकोरेशन पीस मैं भी काफ़ी लेकर आई थी,
और ये देखें ये मग्स हैं, ये तीन एक जैसे हैं और ये तीन एक जैसे हैं, ये भी बाहर से ही मैं लेकर आई थी। और इसके अलावा मेरे काफ़ी और बर्तन भी हैं, और ये देखें ये बाहर का ब्रांड है R&B, ये वहाँ के हैं कॉफ़ी मग्स हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, यूज़ नहीं अभी तक किए लेकिन ऐसे ही पड़े हुए हैं। चलो हमारे नहीं तो बच्चों के काम आएंगे, बच्चे जैसे बड़े होंगे और फिर वो तो यूज़ करेंगे करेंगे। और ये देखें ये हम गए थे बरीमाम सरकार, वहाँ पे मेरी मन्नत थी तो वहाँ से फिर हम लेकर आए थे। और ये भी एक आइसक्रीम सेट है, इसके साथ का मेरे ख्याल से एक या दो टूट गए, ये सिद्रा से टूट गए थे धोते धोते। और ये भी बाहर से हम लेकर आए थे, ये अबू धाबी की मस्जिद है, इस मस्जिद में जाना है हम लोगों ने, इसकी बहुत हमें ख्वाहिश है इधर जाने की। अब जब भी नेक्स्ट टाइम गए ना तो इधर ज़रूर जाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। और बाकी ये सारे मेरे बर्तन थे, और इसके साथ की और भी काफ़ी बर्तन है। और ये जो पीछे गोल्डन ट्रेज है ना, ये भी मैं बाहर से लेके आई थी, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, ये तीन का सेट था तो मैं ये वहाँ से लेके थी। ये भी थोड़ा लाइट वेट है लेकिन हैं बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा और भी पीछे काफ़ी सामान है, अभी मैं खोला तो फिर अरहम ने आ जाना है तो इसलिए मैं खोल नहीं रही। और बस ये सामान, और बाकी मैंने कुछ सामान जो है ना अपना रखा हुआ है अलमारी के अंदर, अलमारी में डिब्बा बॉक्स उसके अंदर सारा मैंने सामान रखा हुआ है। और ये देखें ये आपको दिखाना मैं भूल गई, ये देखें ये भी जूस के ग्लासेस का एक पाइप मैंने निकाला हुआ अरहम के लिए, वो अक्सर पीता ना, इसके अरहम के लिए मैंने स्ट्रॉ काफ़ी ला के रखे हुए हैं, जो फैंसी स्ट्रॉ होते हैं ना बच्चों वाले वो ला के रखे हुए हैं, बट अभी मैं उसको निकालती इसलिए नहीं क्योंकि अरहम साहब जो है ना तोड़ फोड़ कर देते हैं सारी, तो अभी मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं लाइट चला के तो फिर आप लोगों को दिखाऊं। तो सिद्रा भी आकर लाइट जला के गई है और देखिए मेरे काम चेक करें, मैंने ऐसे ही आप लोगों को सारे अपने बर्तन वगैरह दिखा दिए हैं। खैर चलें कोई बात नहीं, आप लोगों को वैसे लगे हैं बर्तन, और बाकी अब काफ़ी दूर हैं वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, तो अभी के लिए फ़िलहाल जितने भी अलमारी में सेट हो सकते थे वो ये सारे लगा के रख दिए हुए हैं। और ये देखें फ्रेंड्स फनूस थोड़ा थोड़ा हल्का सा डस्टी लग रहा ना, मुझे लग रहा है कि ये हल्का सा गंदा हुआ हुआ, अब किसी दिन ना इसको भी साफ़ करते हैं ज़रा, ये मेरी जो दर्द निकली हुई ना ये ठीक हो जाए। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ये जब लाइट चलती है ना, मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ा सा, तो ये लाइट जलती है ना तब बड़ा प्यारा लगता है। ये देखें इसकी ना बीच में से मेरे ख्याल से एक दो लाइट ख़राब हो चुकी हुई है, एक ही मेरे ख्याल से ख़राब हुई हुई है, और ये ना बड़ा ही प्यारा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इस घर में बहुत ज़्यादा लाइट्स लगी हुई हैं लेकिन जो है ना आपको पता है लाइट ऑफ ऑन होने की वजह से ना बीच में से काफ़ी जल जाती हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है। ये देखिए सारा सीलिंग के ऊपर कितनी ज़्यादा लाइट्स लगी हुई हैं ना, बट बीच बीच में ये देखने जल गई हुई हैं। ये तीन चार दफ़ा मेरे हस्बैंड ने ना ये देखिए यहाँ की भी जल चुकी हैं, हमारे रूम की भी काफ़ी जल चुकी हुई हैं, तो मेरे हायर ये अभी सारी नहीं जली, यहाँ पे अभी लाइट में जलाऊंगी तो यहाँ की जल जाएगी लेकिन अभी यहाँ की नहीं जली। और ये देखिए इसके अंदर ना मेरे हस्बैंड ने रूफ लाइट भी करवाई हुई है, ये देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है ना, ये देखिए। मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को अपने घर का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स ये जो सिंदरी है ना, ये मेरी भाभी हैं, मतलब कि मेरे जेठ की वाइफ, ये उन्होंने अपने हाथ से बनाई है, और इसको बनाते बनाते उनको इतना ज़्यादा टाइम लगा था ना, जब वो हमारी शादी पर आई थी ना तो वो लेकर आई थी इसको, और फिर उन्होंने यहाँ पे हमें फ्रेम करवा के लगा के फिर वो गई थी। और ये देखिए उन्होंने कितनी मेहनत की है इसके, कितनी नफासत के साथ ना उन्होंने बनाई है, जो ये जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं ना ये उसके साथ उन्होंने क्रिएट किया सारी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कारीगरी की है ना उन्होंने। इसको बनाते वक्त उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, और देखिए माशाल्लाह कितनी नफासत से बनी हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह ये यादगिरी है उनकी हमारे पास। और ये देखें फ्रेंड्स ये डाइनिंग टेबल एरिया है, और ये देखें इसके कर्टन्स, ये बहुत ही प्यारे कर्टन्स हैं, लेकिन यह है कि इसका एक नुकसान ये कि इसको हम खुद उतार के जो है ना धो नहीं सकते, इसको जब तक जिन्होंने ये लगा कर दिए हैं बना कर दिए हैं ये खुद ना धो के देंगे ना तो तब तक ये हम इसको धो नहीं सकते, क्योंकि ये जो ऊपर से पूरा फ्रेम बना हुआ ना लकड़ी का इसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। तो हर मेरे कमरे का ऐसे फ्रेम नहीं लगा हुआ, मैंने इसलिए इसको उतार के धो लिया था साइडों का, और जो पीछे वाला ना वो नहीं धो सकी क्योंकि वो तो उतरना नहीं था, वो पक्का फिक्स हुआ हुआ था, तो वो अब हम सोच रहे हैं किसी दिन ना बुलवा के तो धुलवाते हैं। और ये डाइनिंग टेबल है, और ये टेबल वाइट आप देख रहे होंगे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि अरहम साहब जो है ना वो तो आपको पता है शैतानियों में माहिर हैं, उन्होंने कोई चीज़ छोड़नी नहीं होती, इसकी उसकी वजह से ना यहाँ पर मैंने एक बाउल रखा हुआ था उसके अंदर ना वो नहीं होती गुलाब की पत्तियाँ लकड़ी वाली जिसमें फ्रेगनेंस होती है, वो मैंने डाल के रखी हुई थी यहाँ पे बाउल भर के, वो मैंने उठा दिया, अभी मैंने आपको एक डेकोरेशन पीस दिखा था वो भी मैंने यहाँ से उठा दिया इसकी वजह से। और ये देखिए मुझे ना इसका भी ये ऐसे लग रहा है कि ये सारी ना
इसका इसकी पॉलिश ख़राब हो रही है और अब मैं इंशाल्लाह इसको बहुत जल्दी जो है ना इसकी सारी पॉलिश करवाऊँगी, क्योंकि मेरा बस दिल चाह रहा है मैं इसको अच्छे से करवाऊँ सेट। देखें सोफ़े इनके ऊपर ना कवर भरे बड़ी मुश्किल से मिल ही नहीं रहे थे कवर, और फ्रेंड सोफ़े हैं और कवर जो ना इनके मिले थे, तो इसलिए मेरी नंद ने ना ये कवर बना के ना खुद से ही तो इसके ऊपर डाल दिए थे, ताकि जो इनकी सीट्स हैं ना वो गंदी ना हो। वो आपको पता है वैसे भी इस तरह के सोफ़े जल्दी गंदे हो जाते हैं, फिर इनको वॉश करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये इसकी दरमियान में साइड टेबल, और ये देखें यहाँ से भी ना बस ये निकाल दिया। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इनके कवर ला के ना इसके ऊपर चढ़ाऊँ, और इन पिलो के जो है ना ये जो कुशन्स हैं इनके कुशन के जो है ना कवर मैं ला के ना थोड़े डार्क कलर में इसके ऊपर रखूँ। ये बहुत ही प्यारे लगेंगे, या तो डार्क कलर में या तो ब्राउन कलर लाऊँगी या गोल्डन कलर, इन दोनों में से ना एक। वैसे इसके ऊपर जो ये चढ़े हुए ना कवर, इसके लिहाज से थोड़े डार्क कलर लाऊँगी ना ब्राउन कलर में, तो वो ज़्यादा प्यारे लगेंगे। वो मैं ला के ना इसके ऊपर अब चढ़ाऊँगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर। और बस जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी मैं जो भी फर्नीचर बन सका था तो वो बना लिया, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, तो इस वजह से फिर ना यही मैंने बनवा लिए, ताकि ये इसका शीशा जो है ना नीचे से गंदा ना हो। और अरहम साहब तो इसको दिन में 10 दफ़ा उतारते हैं और 10 दफ़ा रखते हैं, बड़ा तंग करता है ये लड़का। और ये जो है ना सारा हमने वो जैसे होम थिएटर ही बनाते हैं सारा वैसा था, इधर बड़ी LCD थी वो पीछे, लेकिन हैर वो नहीं लग सकी, वो हमारे रूम में लगी हुई है और यहाँ पर ये लगी है। बस अब्बू ही टीवी देखते हैं ज़्यादातर, अम्मी लोग बहुत ही कम यहाँ पर बैठ के देखते हैं। तो ये बूफर सिस्टम लगाया हुआ साइड पे, और ये थोड़ा सा डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं, और ये साथ यहाँ पर ड्रॉप बने हुए हैं। तो खैर इंशाल्लाह अब हम इस घर से जब न्यू घर में शिफ्ट होंगे, बस आप लोग भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे कि हम एक और न्यू घर बनाएं, और जब बनाएंगे ना इंशाल्लाह तो फिर जो जैसे मेरे दिल की ख्वाहिश आता है ना अपने घर को लेके, इंशाल्लाह ताला फिर वैसे ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो खैर ये आज का छोटा सा मैंने आपको व्यू दिखाया अपने घर का, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखा करें। और जो लोग न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करें, और मेरे ब्लॉग ज़रूर देखा करें, ताकि मुझे आप लोग जब देखेंगे मुझे हौसला अफजाई होगी, और हौसला अफजाई होगी, और इसी के साथ मेरा मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाकर लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, और एंड तक देखा करें, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें। और ये देखिए यहाँ पर मेरे मटर भी बस गलने ही वाले हैं, ये पता नहीं क्यों गल नहीं रहे इतने अच्छे से। मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई चीज़ जल्दी गलती नहीं। खैर हम भी गला के छोड़ेंगे, हमने कौन सा ऐसे ही छोड़ देना इसको, क्योंकि आपको पता है वो अच्छे से गले ना तो फिर वो कच्चा कच्चा सा फ्लेवर आता है और वो मज़ा नहीं आता खाने का। ले जी फ्रेंड्स, मटर भी गल चुके हैं और कीमा भी रेडी हो चुका है, और अब बस इसको हम ढांप के रख देते हैं, और जब खाना होगा उस वक्त फिर हम इसको दोबारा से गर्म करेंगे और ऊपर से अदरक और ग्रीन चिलीस ऐड करेंगे और फिर खा लेंगे। ठरा कहाँ गई आपकी? चलो अब आप इसको बड़ा शौक है ग्लासेस लगाने का, ग्लासेस लगा के फिर जो हरकतें करता है, अच्छा देखेंगे, नहीं करता तो फिर सब कुछ साफ करके रखता है। अब सारे टॉयज उसमें बास्केट में डाल के आए हैं, और ये देखें यहाँ पर अपने जूते भी साइड पे करके इसने रख दिए हैं, और हॉर्स को भी वहाँ पे साइड पे लगाया था, वो उसके ना धक्का लगा तो वो साइड पर हो गया। चलो लगा के हॉर्स भी साइड पर दीवार के साथ लगा के आओ, शाबाश, जल्दी करो, गाड़ी को भी सही करके लगाओ और हॉर्स को भी सही करके रखो, ऐसे गुड बॉय, और हॉर्स को भी सही करके रखो ऐसे गुड बॉय, ऐसे नहीं दूसरी तरह से, ऐसे लंबा करके रखो, बड़ा अच्छा बच्चा मेरा। इसके नहीं, गाड़ी के साथ आगे करके लगाओ ना, फिर कोई डोर खोलेगा तो डोर नहीं खुलेगा। कैमल भी उठाओ अपना, कैमल उठा के बास्केट के अंदर डालो। ये देखें इसको ना लॉक खोलना बंद करना आ गया, और इसको कभी खोलना नहीं आता, तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसको खोलने का भी तरीका है, ताकि जो है ना फिर कभी ये ना हो कि कब किसी वक्त कोई भी ना हो तो ये अंदर ही बस कैद हो जाए। क्या कर रहे हो, इधर देखो, बुरी बात, फिर पापा डांटेंगे आपको, जल्दी से यहाँ पर आओ मेरा बेटा। जी पापा, क्या क्या
ओ क्या मानो जीत नहीं गई, मानो गिर गई। वो भी हाँ क्या, उसको भी नजर लग गई है फौरन फौरन। ये दोनों रेजे लगा रहे हैं कि एक दूसरे को गिरा रहे हैं। वो कह रहा है नहीं मानो, तुमने नहीं बैठना, मेरे पापा ही बैठेंगे, पापा ही बैठ के रेसे लगाएंगे। बस आज पागल हुए मैं सारे। बस ये देखो कर क्या था, एक गंदी लूम बढ़ी है तो इतना तंग क्यों करती है।